अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई जी। जी सर बोलिए। मैं आज दोबारा आपके पास आया हूँ। लास्ट टाइम कुछ चीज़ें मतलब रह गई थी कुछ वजह से ना, तो उसका मुझे बताइए, ये डिस्पेंसर वगैरह और केक के जो आपके पास वो है ना डिशेस, वो रह गई थी डिस्पेंसर में ये वाले ना? ये सारे डिस्पेंसर। अच्छा, लगे हुए हैं। ये किस काम के लिए होते हैं? ये चार ऑर्डर है, जूस वगैरह के लिए होते हैं, शरबत वगैरह के लिए होते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के लिए भी चल जाते हैं। ये इम्पोर्टेड डिस्पेंसर है, अच्छी क्वालिटी के, जो आजकल फैंसी जैसे चल रहे हैं ना टर्किश वाले, इसमें ये फ्लावर वाला है, चिड़िया वाला है, गोल्डन सिल्वर में आता है। अच्छा। फिर ये आता है गोल्डन के अंदर इस। अच्छा। तरह से ये चार इसके अंदर डिजाइन आते हैं। इसमें जूस डाल सकते हैं? जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी वगैरह में भी यूज हो सकता है। अच्छा सही। ये इस तरह से ये मुझे बताएं ये मतलब कैसे काम करता है? ये वाला अलग अलग है, मतलब ये कि जो है ना क्वालिटी वाइज डिस्पेंसर की क्वालिटी अच्छी है। ये मुझे एक ज़रा पकड़ के दिखाइए कैसे ये काम करता है। यहाँ रखिए प्लीज़, क्योंकि एक साथ पड़े हुए हैं ना तो समझ में नहीं। अलग से। अच्छा ये रहा, ये इसका कैप है। अच्छा, ये कैप है, अंदर जाएगा। ये इसका स्टेन है, सफाई के लिए। सफाई के लिए अगर कर सकते, सफाई के लिए ही अलग हो जाएगा। अच्छा, सही ठीक। इस तरह से होता है। ये इसकी चिड़िया लगी हुई है, किसी को पसंद होता है चिड़िया वाला, किसी को पसंद होता है फ्लावर वाला। फ्लावर वाला सबका अलग अलग होता है। फिर इसके नीचे ये बास्केटें रखी हुई है, चॉकलेट्स बास्केट, कैंडी बास्केट। अच्छा ठीक है, कैंडी बास्केटें होती है, फ्लावर भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही ठीक है, सही। ये चार डिज़ाइन अलग अलग हैं, अलग अलग ठीक है, चार अलग अलग हैं। इसके नीचे फिर ये डिशेस रखी हुई हैं, सारी सर्विंग है ना। ये केक के लिए होती है, मिठाई के लिए, मुझे सालन के लिए होती है। सालन की डिश है ये, सैलड की डिश है। एक ज़रा दिखाइए मुझे पाँच। ये किसकी सैलड के स्पून दिए हैं? अच्छा, ये बहुत ये सेट सैलेड बोल के साथ आते हैं। अच्छा, ये कितने का सेट है? ये वाली एक डिश आपको मिलेगी 9,500। इसमें ग्लास का वो दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है ताकि आप आराम से साफ कर सको, गर्म पानी से वॉश कर सको। अच्छा, इस तरह से होता है। ये वाला दिखाइए जो सालन, ये सालन की डिश आती है इस तरह से। सही, ये सालन के लिए होती है। इसके नीचे कैंडल होता है, कैंडल जलता है, बर्नर, बर्नर आपका बर्नर होता है। अच्छा, बर्नर कोला भी रख सकते हैं, कुछ भी रखे तो आप गर्म रहे। अच्छा, ऊपर ग्लास का वो स्टॉपर है। बिल्कुल, इस तरह से होता है, ग्लास का स्टॉपर अलग हो जाता है। ठीक है सही। ये नीचे इसका कैंडल आ जाता है। ये सेट है, मतलब क्या चीज़ है? ये सिंगल सिंगल होती है, सिंगल सिंगल इस तरह से। ये आगे डिश इसकी स्क्वायर शेप में आती है। ये किस काम के लिए होती है? ये भी यही चावलों वगैरह के लिए, चावल के लिए रख सकते हैं। इसमें भी बर्नर नीचे दिया हुआ, बर्नर होगा। अच्छा, कैंडल होगा। इसके क्या प्राइस है? वैसे ये वाली सर 11,500 की, 11,500 की। इसके एक डिज़ाइन ये वाला भी है। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन है, ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन अच्छा है। ये ओवल शेप है, वो ओवल शेप में। उसके बाद ये सारी प्यालियाँ रखी हुई हैं नीचे, मीठे वगैरह के लिए होती है, चटनी के लिए होती है। एक ज़रा दिखाएँ मुझे सेट, पानी साफ करो। अच्छा, ताकि ये खराब भी ना हो। इसका क्या प्राइस है? ये वाली सर आपको पड़ेगी 3,200। इसकी ये वाली तीन वाली भी आती है, ये चार वाली है, और इसकी पांच वाली आती है। पांच वाली भी आती है, इसमें आपको ये प्याली मिलेगी, रखी भी नहीं है। इसके अलावा ये भी आपके पास? हाँ, ये छः वाली है, पाँच वाली है, पाँच वाली छः वाली नहीं आती, पाँच वाली आती है। इसकी क्या प्राइस है? ये वाली सर पड़ेगी आपको 3,800। 3,800 की। अच्छा, फिर आपके पास ये नीचे केक है, इसमें 4 पाउंड्स के हैं, इसमें 2 पाउंड्स के हैं। अच्छा, ये वाला गोल्डन में, ये वाला 3 पाउंड तक, और ये सिल्वर में। एक ज़रा दिखाइए मुझे निकाल के, समझ में आ सके ना। मैं ये पूरा निकाले ना, साफ भी कैसे कर सकते हैं इसको? बिल्कुल आराम से। अच्छा ठीक है, देखिए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, अलग फोल्डेबल है ना। अच्छा ठीक है, सही है। इस पर भी काम हुआ हुआ है, वो दिखाइए। अच्छा अच्छा, काम हुआ हुआ है, मैं ज़रा करीब करके दिखाता हूँ। अच्छा सही। ये उसका प्लास्टिक में एक्रेलिक है। अच्छा, टूटता नहीं है? नहीं टूटता नहीं है, डैमेज नहीं होता। इस तरह से ये टर्किश का आजकल नया चल रहा है। अच्छा सही। ये 6 पाउंड केक का है, 6 पाउंड का केक रख सकते हैं। ये भी सफाई कैसे होगी? सफाई के लिए बिल्कुल इजी है, इसको टिश्यू से साफ कर सकते हैं। ये स्टील की प्लेट होती है, खराब नहीं होती। एक्रेलिक ऊपर ढका, एक्रेलिक का इसका टॉप होता है। ठीक है सही। इस तरह से होता है। इन तीनों के मुझे अगर प्राइस अगर बता दें सर, ये वाला पहला वाला जो रखा हुआ है गोल्डन वाला 8,000, ये वाला 7,500 रुपये का, और ये 12,000। अच्छा, 12,000 ये टर्किश वाला। ये सारे मतलब कहाँ के हैं? इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर ये आ जाए इस तरह। अच्छा, आ सही। ये भी उस तरह से, उसी के कलर गोल्डन में है। अच्छा, इस साइज छोटा है, साइज वही है, वही साइज है गोल्डन में। अच्छा, गोल्डन में वो सिल्वर था, ये गोल्डन आ गई थी। अच्छा ये, अच्छा सही। हाँ ठीक है, इसी तरह से होंगे। फिर इसका ये वाले आते हैं, ये इससे थोड़े छोटे साइज है। इसमें 2 पाउंड का केक। अच्छा ठीक है, 2 पाउंड केक का होता है उसमें सर्व कर। ये 7,000 तक का है। अच्छा ठीक है, 7,000। इसमें फिर वो सिल्वर मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सेम एज इट इज, इस तरह का सिल्वर होगा। अच्छा सही। हाँ, फिर इसका ये दो, इस तरह से ये प्याली का आ गया। इसकी
या आजकल टेबल वगैरह पे सर्फ होती है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें क्या रख सकते हैं हम लोग? कुछ भी रख लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, ड्राई फ्रूट रख लो, चटनी वगैरह के लिए यूज हो जा सकती है, सॉसेस वगैरह रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर इसकी डिशेस आ गई ऊपर। अच्छा, इसकी डिशेस उसी तरह से जो गोल्डन थी सेम इसकी सिल्वर। एक मुझे दिखाइए सेंटर वाली जो, और इसमें प्राइस मतलब कम होते हैं कि सिल्वर में? प्राइस थोड़े 200-400 रुपए का फर्क आता है सिल्वर कलर में। अच्छा, सिल्वर सस्ता होता है, गोल्डन महंगा होता है। इसमें ये अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, भारी क्वालिटी। ये ब्रास में ना? बिल्कुल। अच्छा, ब्रास में खराब नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। इसके अलावा फिर वो दूसरी डिश आपके पास? फिर ये टिश्यू बॉक्स पर रखा हुआ है, दूसरी डिश है। अच्छा, ये फैंसी है, ये भी डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, टिशू बॉक्स रखा ही कमरे में जाएगा या डाइनिंग गेस्ट का? अच्छा, फिर ये डिश दिखाई, ये वाली डिश, ये वाली। हाँ, ये किस काम के लिए? ये भी ये नीचे वाली तरह। अच्छा, नीचे वाली की तरह। अच्छा, वही बिरयानी की डिश, बिरयानी की डिश है। अच्छा, ये जार वगैरह आपके पास? अच्छा, ये जार, ये जार किस काम के लिए होते हैं? और ये निमको वगैरह के लिए होते हैं? अच्छा, निमको। ये किस काम के लिए होते हैं? ये कैंडल स्टैंड। अच्छा, कैंडल स्टैंड है, सही। अच्छा, इसमें निमको रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। बिल्कुल। एक मुझे ज़रा ये दिखाइए वाला, खोल कर दिखाइए। इसमें एयर टाइट होता है? एयर टाइट, ये रबड़ लगी हुई है। अच्छा, ये बेमो वुड्स का कैप है इसका। अच्छा, और ये बेमो का शीशा है। अच्छा, ये भी बाहर से आते हैं? इंपोर्ट के? इंपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये अगर ये इनके प्राइस मुझे बताइए? ओरिजिनल है। अच्छा, ये कंपनी जो ना ओरिजिनल ऑर्चिड, ऑर्चिड। अच्छा, कहाँ जी? ये दुबई से आता है। दुबई से आता है, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है। अच्छा, ये सेट मिलता है या अलग अलग ले सकते हैं हम लोग? मर्जी आपकी, सेट भी बना लगा हुआ है हमने, बना के रखा, अलग अलग भी दे देते हैं। जैसे ये अगर एक जार में पूछिए कितने का, तो कितने का होगा ये वाला सर? 2600 रुपये का। 2600 रुपये एक जार? एक जार 2400, फिर इसके बाद आपको 2200 का पड़ेगा। 2200 का पड़ेगा, इस तरह इसकी रेंज में आते हैं। फिर इधर आ जाए, कैंडल स्टैंड रखे, कैंडल में अच्छा आ जाते हैं हम लोग। ये भी देख लो, ये तीन कैंडल स्टैंड है। बात इनकी क्या प्राइस है ये सेट का? ये सर अलग अलग है, 3500, 3800, 4200। बड़ी वाली है? हाँ, तकरीबन 1.5 फीट है इसकी हाइट, बड़ी वाली। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सही। फुट है फिर? अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से भी, ताकि समझ में आ जाए यहाँ से ना। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, ये सारी चीज़ें रह गई थी, तो बहुत शुक्रिया।